नमस्ते सैजिटेरियस, कैसे हैं आप? वैसे मुझे यहाँ पर आज मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ और सिर्फ आपके सनसाइन के ऊपर। तो अगर ये आपका सनसाइन है तो ये होगा आपके साथ 15 to 30 मार्च में। तो चलिए देखते हैं कि मुझे यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत अटैक्ट फील कर रहे हो जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप जो है बिल्कुल भी जो है आपके पास आप उससे खुश नहीं हो, लेकिन आपको कुछ नया अगर ऑफ़र किया जा रहा है तो आप वो भी नहीं लेना चाहते, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये स्टोरी है, क्योंकि आपकी जो चीज जो आपकी लाइफ है और जो आपके लिए इस साइकिल एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है अभी, और आपको वो एंडिंग्स के साथ आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, आप कंफर्टेबली या आराम से चेंजेस को मतलब जो आपके लाइफ में आना चाहती है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप बार बार पास्ट की चीज़ों को या पास्ट की किसी चीज़ को या पास्ट के किसी पर्सन को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप उसको ये बातों को आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने फील कर रहे हो इस बात को। और जो है जो लव है आपका, जो भी फीलिंग्स है लव को लेकर के, या किसी से आप पसंद करते थे और कोई अगर आपके लाइफ में नया आ रहा है पर्सन और वो काफ़ी ट्रुथफुल है या बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला इंसान है, तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। वो आप उनकी बातें आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, जैसे वो आपको अटैक कर रहे हो, तो इस वजह से आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। पर मैं आपको ये बता दूं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपके फेवर में है और ये मैजिशियन कार्ड भी है आपके पास, तो मैजिशियन कार्ड को देख करके मैं कह सकती हूँ कि आप हो क्रिएटर अपने फ्यूचर के। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आपके पास वो फ्रीडम है कि आप उसको चेंज कर सको, उसको बेटर कर सको, और आपके पास वो एबिलिटीज़ भी है अभी, क्योंकि अभी आप मैजिशियन की तरफ आ रहे हो और आपका लक चेंज हो रहा है, आप पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है अब आपके साथ। ये है सन कार्ड और ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है इस किसी भी टैरो डेक का, और इसमें मुझे आप एकदम सन में जो दो गोल्डन चिल्ड्रन हैं यहाँ पे जो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो मे बी ये पर्सन जो है जिसके साथ आप अभी खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बोल रहा हो और आप उनके साथ काफ़ी अच्छा आपका फ्यूचर हो, लेकिन आप उसको काफ़ी अटैकिंग सेंस में और नेगेटिव सेंस में ले रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है ये कार्ड देखकर। तो अगर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर और आप अपने पास्ट को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप एक साइन मांग रहे हो यूनिवर्स से कि इज़ दिस पर्सन राइट फॉर मी, या कुछ ऐसा साइन, क्या ये पर्सन सही है मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए साइन है कि ये पर्सन आपके लिए सही है अगर आप इंक्वायर कर रहे हो तो। और ये है आपके पास द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो ऐसा है कि आप बहुत अपने इंजॉय करने वाले हो 15 to 30 मार्च में, मुझे ऐसा लग रहा है। आप और कहीं घूमने जाने वाले हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, या कहीं दूर जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आता है, आप बहुत इंजॉय करते हो, और ये आपके लिए ब्रेक होने वाला है इस एनर्जी से जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से आप बहुत ग्रेट फील करने वाले हो, बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करने वाले हो। तो ये जो टॉक्सिक एनर्जीज जो आप फील कर रहे हो ये साइकिल ख़त्म होने के एनर्जीज है, ये चेंज के एनर्जीज है, और जिसको आप स्मूदली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो शायद आपको ये जो बाहर जाना और ये सब आपके लिए स्मूद शिफ्ट हो और आप काफ़ी इसके वजह से पॉजिटिव हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है 15 to 30 मार्च में। तो होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जानने में। थैंक यू।